आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद, मैं खीम करूँगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कल रात्रि 11 बजे के आसपास जो है टनल में रेस्क्यू कार्य में थोड़ा सा बाधा आई थी, और उस बाधा के परिणाम स्वरूप जो है लगभग यहाँ पे NDRF की टीम के द्वारा जो है मैन्युअली उस बाधा को दूर किया गया, क्योंकि जो टनल था, टनल के बीच में जब उसकी कटिंग मतलब बेसिकली वहाँ पे ड्रिलिंग चल रही थी या कटिंग हो रही थी, तो उस कटिंग में सरिया आ चुकी थी, तो उस सरिया को NDRF के द्वारा जो है मैन्युअली इसको काटा गया। तो उसके परिणाम स्वरूप अभी जो अपेक्षा की जा रही है, जो आशा यहाँ पे एक आशा की किरण नवल प्रातः की नवल रश्मि के साथ एक आशा की किरण हमारे समक्ष जो है आने वाली है, लगभग जो हमारी यहाँ पे अधिकारियों से बात हुई तो उसके मुताबिक लगभग आने वाले 4 से 5 घंटे में जो है वहाँ पे मजदूरों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जाएगा। हमारी पूरी टीम पूरी रात यहाँ पे बनी हुई थी, और साथ ही साथ जो है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NDRF के साथ साथ जो है उत्तराखंड के विभिन्न विभाग और उत्तराखंड पुलिस के साथ साथ NDRF, SDRF और SDRF के साथ साथ जो ITBP के जवान यहाँ पर डटे हुए हैं, और उन लोगों का हौसला अब बढ़ा रहे हैं, उन लोगों के साथ मतलब बेसिकली जो है उन लोगों को यहाँ पे सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की पूर्ण कोशिश की जा रही है, और बाहर यहाँ पे लगभग 41 से 42 एम्बुलेंस यहाँ पे आ चुकी हैं। और इसके साथ ही खबर आ रही है कि जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं वह भी जो है अभी उत्तरकाशी में मौजूद हैं, और कुछ ही पल में जो है उनके यहाँ पे आने की संभावना यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब बताई जा रही है। तो आने वाली जो जितनी भी जो है पल पल की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। मैं खीम करूँगा और कैमरा पर्सन रंजीत के साथ, धन्यवाद।